दोस्तों मेरे काफी सारी जो YouTube फैमिली है उनकी कमेंट थी कि भाई ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन पर वीडियो लाओ, कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन हम वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आ गई है वीडियो, ठीक है। तो अब आपको बस इतना करना है, मैंने आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाई, तो आप बस इतना कर देना कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तभी आप समझ पाओगे कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन कैसे लगेगी और इसका क्या प्रॉफिट हमें हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो पूरी एंड तक बस देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो उसके बाद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर आप नए हो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन आखिर हमें कैसे लगाना होता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन की सबसे पहले तो हम प्रॉफिट जान लेते हैं कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लगाने से हमारा प्रॉफिट क्या है, ठीक है। क्या क्या चीजें जो है हमें उससे फायदा हो जाता है कि अगर हम डिस्क्रिप्शन खुद से ना लगा के उसमें जो सेटिंग होती है सेटिंग के थ्रू ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन वहां पर लग जाए तो उससे होता क्या है। दोस्तों उससे प्रॉफिट सबसे पहले जानते हैं क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉफिट तो वहां पर यह है कि आपका टाइम बच जाता है। दोस्तों टाइम कैसे बच जाता है, आपको सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है, अपनी डिस्क्रिप्शन को भरने में, क्योंकि वहां पर आपको टैग कीवर्ड डालने होते हैं, हैशटैग डालने होते हैं, सोशल मीडिया की लिंक्स डालनी होती हैं, तो इन सब चीजों में आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और ये टाइम अगर इतना टाइम आपका बच जाएगा तो उतने टाइम में आप एक वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। और जब एक वीडियो शूट कर सकते हो तो उसको आप अपने चैनल पर अपलोड कर पाओगे, जब अपलोड कर पाओगे तो आपका चैनल ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीधी सी बात यह है कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लगाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको वो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उससे जो है आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि आप उतने टाइम में अलग कोई एक और वीडियो शूट कर सकते हो, वो अपलोड कर सकते हो, तो उस पर व्यू आएंगे तो सब्सक्राइबर आएंगे, ठीक है। तो इतना हो सकता है, प्लस आपका टाइम तो बचता ही बचता है, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉफिट, सीधी सी बात ये समझ लो, ठीक है। अब जानते हैं कि ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन हमें लगाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोन लेंगे, और फोन लेने के बाद ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमें लगानी है उसको हम जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपको समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके बाद जो है आपको समझाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर जो है ऑन हो चुका है, ठीक है। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर हूं, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पर मैंने अपने YT स्टूडियो को ओपन कर रखा है, ठीक है। ध्यान रखिए YT स्टूडियो को अपने को आपको क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको करना नहीं आता है तो उस पर वीडियो पूरी पड़ी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे आपको दोस्तों ये एक सेटिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक। अब जैसे ही आप इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया जनरल, ठीक है। दूसरा हो गया चैनल, तीसरा हो गया अपलोड डिफॉल्ट, चौथा हो गया परमिशन, पांचवा होगा कम्युनिटी, और छठवां हो गया एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इतने ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमें क्लिक किस पर करना है, हमें क्लिक करना है अपलोड डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अपलोड डिफॉल्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें और 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे साइड में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 ऑप्शन और आ गए। माफी चाहता हूँ कि थोड़ा डाउन हो गया है, इसको कट करके जो ऊपर करते हैं पहले, फिर क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये 3 ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट बेसिक इन्फो, दूसरा एडवांस सेटिंग, एंड तीसरा मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सीधा बेसिक इन्फो पर क्लिक है और वहीं हमें ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, हमें डिस्क्रिप्शन भरनी कैसे है, तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपने कहीं पर अगर लिख रखी है, ठीक है, या फिर आप लिखना चाहते हो तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो पूरी, और अगर कहीं पर आपने लिख रखी है तो वहां पर से आप कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दो कि पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर एक प्रॉफिट और है, आप यहां पर टैग भी ऑटोमेटिक लगा सकते हो, ठीक है। टैग के लिए आपको यहां पर दोस्तों नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा टैग का, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ राउंड करके, ये आप देख सकते हैं ये टैग का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर टैग भर दोगे तो ऑटोमेटिक वही टैग लग जाएंगे, और टाइटल आपका अगर हर वीडियो के लिए एक है तो यहाँ पर आप टाइटल भी मेंशन कर सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिक हर वीडियो में लग जाएगा। अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो आपका लाइव स्ट्रीम में भी ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लग जाएगा, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मैं इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन मेरी ऑटोमेटिक लगी हुई है, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, और अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे पाया है, आपको चीजें समझ आई हैं, तरीका समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।